बार फिर आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर चौबे से। जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ या पूरे फ्रीडम मूवमेंट का बेसिक पर्सपेक्टिव ये था कि हम एक वेलफेयर स्टेट बनने जा रहे हैं, जैसे कि यूरोप के कई देश हैं, इंग्लैंड है और भी देश हैं। तो उस पर यह संभव नहीं हो पा रहा है कि सबके लिए फ्री किया जा सके, पर कम से कम वंचित वर्गों तक पहुँचे, जो लोग छूट जा रहे हैं उन तक पहुँचे, ग्रामीणों और रूरल समाज तक पहुँचे, तो ये मेरे ख्याल में स्वागत योग्य कदम है। हालांकि प्राथमिक शिक्षा सबके लिए, डॉक्टर आपने कई सारे देशों की यात्राएं की हैं शिक्षा के क्षेत्र को लेकर, जी जी, तो आप क्या अंतर पाते हैं प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में भारत में और अन्य देशों में, जो विकसित देश हैं या विकासशील देश हैं या अविकसित देश हैं, जैसे अफ्रीकन कंट्रीज में भी आप गए, सब जगह गए काफी जगह, तो क्या आप महसूस करते हैं भारत में उनसे कैसे तुलनात्मक रूप से आप देखेंगे? देखिए, हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर है। जब हमने पहले यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन की बात की थी कि प्राथमिक शिक्षा यूनिवर्सलाइज हो जाए, हालांकि वो हुई भी है और 90-95% लोग जो हैं बच्चे स्कूल में जा रहे हैं। हालांकि अब यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन की बात हो रही है, यानी हायर सेकेंडरी एजुकेशन की बात हो रही है जी। इसकी भी तीन मूल प्रावधान थे। एक तो सभी को शिक्षा में एनरोलमेंट मिले, दूसरा स्कूल उनके घर के पास में हो, और तीसरा क्वालिटी उसकी बनाई रखी जाए। हमारे देश की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इंफ्रास्ट्रक्चर इतना नहीं है कि वो सभी पॉपुलेशन को केटर कर सके। तो पहली बात तो अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण पर जोर देना चाहिए, ये हुआ भी है। नहीं, निर्माण तो है लेकिन शिक्षक नहीं है। दूसरी बात यह है कि शिक्षक नहीं है और शिक्षकों की प्रशिक्षण नहीं है। तो समस्या है बड़ी। पिछले दशक में ये काम हुआ है जी, कि स्कूल बनाए गए हैं, एक शिक्षक स्कूल भी खोले गए हैं, और कोशिश है कि पंचायतों तक और पंचायतों के नीचे भी स्कूल पहुंचे। नहीं, शिक्षकों के प्रशिक्षण पर आप बात ठीक करें, बहुत जोर दिया जाना चाहिए और नई प्रावधियों का उपयोग। भाई जैसे कई गुरुजी और शिक्षा कर्मी और इस तरह से काफी सारा एक वो बन गया है पूरा एक पढ़ाने का सिस्टम, कहना साहब हमने गुरुजी को बहुत सारे नियुक्त कर दिए, शिक्षा कर्मी बहुत सारे नियुक्त कर दिए, स्थिति लेकिन ये है कि गुरुजी को भी इसका पहाड़ नहीं आता। ये बात आप ठीक कह रहे हैं। मैं तो इससे सहमत हूँ कि हमें टीचर्स की ट्रेनिंग को बड़े पैमाने पर लेना चाहिए और ऐसा प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए कि वो बच्चे को शामिल कर सके, जिसको समावेशी शिक्षा कहते हैं या पार्टिसिपेटरी एजुकेशन कहते हैं। तो क्या ये जो बीएड और डीएड के जो सिस्टम चल रहा है इससे ये पर्याप्त है, क्या ये इससे वो ट्रेनिंग हो पाएगी पूरी? ये मुझे नहीं लगता कि इससे हो पाएगा। हमारे करंट बीएड और डीएड के जो एजुकेशनल सिस्टम्स हैं वो भी टीचर्स के लिए पर्याप्त नहीं है, और हमें लगता है कि इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर्स एजुकेशन बहुत सारे बनाए जाने चाहिए। डॉक्टर साहब, हम अपनी बातचीत जारी रखेंगे, फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हम मिलेंगे अपने कार्यक्रम आमने सामने में। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम डॉक्टर चौबे से बात कर रहे थे। चौबे साहब, ये जो बीएड और डीएड की शिक्षा की बात हम कर रहे थे, हमारी बात अभी पूरी नहीं हो पाई थी, तो ये क्या पर्याप्त है या कोई और इसके लिए अलग से कुछ व्यवस्था होना चाहिए जिससे टीचर्स को व्यवहारिक ज्ञान ज्यादा से ज्यादा मिल सके, वो शिक्षक के रूप में एक विद्यार्थी को अच्छे से अच्छे ढंग से पढ़ा सके? मूल बात तो ये है कि हमारी जो बच्चों को पढ़ाने की पद्धति है उसी पर एक पुनर्विचार की जरूरत है। शिक्षकों को बहुत सारे अन्य कामों में लगाया जाता है। शिक्षकों को बच्चों के साथ जुड़ने की जो तरीका है या बच्चों के साथ समावेशी शिक्षा का जो तरीका है उससे हटकर और बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। बेगारी कराई जाती है, सीधे शब्दों में बात मैं ये तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, शिक्षक बहुत सारे और कामों में प्रयुक्त कर लिए जाते हैं, उनको फोकस्ड शिक्षा के बारे में। और दूसरा, टीचर्स ट्रेनिंग के जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनको भी मॉडर्न होना पड़ेगा। अभी वो हमारे यहाँ डायट्स हैं और बहुत सारे संस्थान हैं, पहली बात तो उनमें कुल कैपेसिटी ही बहुत कम है। आरटीई की आपने बात की थी कुछ देर पहले, जी जी, आरटीई के अनुसार हमारे प्रदेश में, मध्य प्रदेश में लगभग 200,000 शिक्षकों की ट्रेनिंग होनी है जी। अगर आप डायट की पूरी क्षमता देख लें तो कुल मिला के वो 4,000 भी नहीं होती। अब सोचिए कि अगर आप 4,000 शिक्षकों का प्रशिक्षण भी कर पाते हैं ठीक से, तो आपको 200,000 की ट्रेनिंग करने के लिए लगभग 40-50 वर्ष लग जाएंगे अगर आप इस तरह से करें। डॉक्टर, इसमें एक इनपुट मैं आपको देता हूँ कि मध्य प्रदेश में करीब 700 डीएड और बीएड कॉलेज हैं निजी शिक्षण निजी क्षेत्र के जी, जी, जी। ये इनकी स्थिति क्या है और क्या ये शिक्षा की जो आप बात आप कर रहे हैं वो उसको उस ट्रेनिंग को देने के लिए सक्षम है, क्या ये पर्याप्त है क्या? देखिए, आप मुझे एक बहुत ही कठिन टेरिटरी में ले जा रहे हैं। बीएड और डीएड कॉलेज हैं जरूर, तो उनके भी यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर, उनके यहाँ फैकल्टी, उनका बच्चों के प्रति एटीट्यूड, ये सारी चीजें अभी तो प्रश्न चिन्ह। मैं बहुत सीधे से पूछना चाहूंगा कि सरकार कितनी जिम्मेदार है और समाज कितना जिम्मेदार है?
क्योंकि आप जो है विचारक भी हैं, साहित्यकार भी हैं, दोनों तरह से निगाह रखते हैं जी जी। सरकार पे भी और समाज पे भी। मैं थोड़ा सा पीछे जाता हूँ। हमारे यहाँ इस समय तीन चरणों में यूनिवर्सलाइजेशन, पहली बात थी कि सबको समावेशित किया जाए, तो साक्षरता की एक बात थी कि भाई एडल्ट जो है इनको साक्षर किया जाए, फिर प्राथमिक शिक्षा को 100% किया जाए, फिर मिडिल एजुकेशन को 100% किया जाए, फिर हायर सेकेंडरी एजुकेशन को 100% किया जाए। एक ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो जैसी चीज़ होती है, हमारे हायर सेकेंडरी एजुकेशन में ये कुल 23% के आसपास है, जबकि बाहर के देशों में ये 45, 50, 70, 78% भी हुआ करता है। तो एक इशू है सबको शामिल करना। मुझे लगता है यहाँ तो हमने प्रगति की है, और प्राथमिक शिक्षा में हम 90% तक पहुँच पाए हैं, मिडिल में हम 48% तक पहुँच पाए हैं, अभी हायर सेकेंडरी में पहुँच रहे हैं। नहीं, लेकिन हमारे यहाँ क्वालिटी की जो बात आप कर रहे हैं, क्वालिटी की जो बात कर रहे हैं, वो जब तक हम मैसिव टीचर्स ट्रेनिंग नहीं करेंगे और हम अपने एग्जामिनेशन की पद्धति को नहीं बदलेंगे, परीक्षा का जो दबाव बच्चे के ऊपर उसको नहीं हटाएंगे, और बच्चे को पर्यावरण, समाज और ऐसे विषयों से नहीं जोड़ेंगे जिसमें कि बच्चा शिक्षा को अपने समाज से जोड़ पाता है। विज्ञान सभा का गठन किया था और व्यवहारिक विज्ञान को जो आप बढ़ावा देने की बात उसमें करी थी, उसमें कहां तक आप सफल हुए और सरकार का क्या सहयोग उसमें रहा और इसके क्या परिणाम सामने आ रहे हैं? मूल बात यही है कि अपने को शिक्षा को समाज से और डे टू डे परिप्रेक्ष्य से जोड़ना पड़ेगा तो सफल होगा। हमारी एक कोशिश थी कि हम ग्रामीण समाज में विशेषकर वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य को, जो कि मैं नेहरू का नाम लेना चाहता हूँ क्योंकि वो पहली बार उन्होंने इस बात को सामने रखा था, लेकिन वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य के साथ हम अपने जीवन को जी पाएँ ऐसी शिक्षा देने की कोशिश की थी। हमारी कहाँ तक सफल हुई इसका तो मैं नहीं कहूँगा, बाहर के लोग बताएंगे, लेकिन मेरी कोशिश थी कि हम गाँव तक विज्ञान ले जाएँ, और संप्रेषण के बहुत सारे कलात्मक माध्यमों का उपयोग किया गया, बहुत सारे हैंड्स ऑन टूल का उपयोग किया गया, और स्कूल्स के भीतर जाके भी ये काम किया गया। मैं अंतिम रूप से इस बारे में ये कहना चाहता हूँ कि हमें अपनी शिक्षा पद्धति को ऐसा बनाना है जो बच्चे को जीवन जीने के लिए और जीवन को वैज्ञानिक दृष्टि से देखने के लिए समृद्ध बनाए, तो हमारे टीचर्स भी उस तरह से ट्रेन होने पड़े। क्योंकि भारतीय शिक्षा पद्धति के बारे में ऐसा कहा जाता है अभी तक कि ये सिर्फ एक व्यक्ति को क्लर्क बना सकती है, इस बात से कितने सहमत हैं आप और इसमें क्या परिवर्तन होना चाहिए? आईटी के क्षेत्र में तो प्रोफेसर यशपाल ये कहते ही हैं कि हमारे जो आईटी के लोग हैं वो एक तरह के इन्फॉर्म कुली हैं और सूचना के कुली हैं, वो काम जो करवाना चाहते हैं मतलब उस तरह काम करते हैं, लेकिन प्रतिशत में देखा जाए तो 3-5% इंस्टीट्यूट हमारे ऐसे भी हैं। जैसे आईआईटी की आप बात करेंगे, आईआईटी अभी भी पूरे विश्व में बड़े रिस्पेक्टेड इंस्टीट्यूशन हैं, कई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन भी बहुत अच्छे हैं, जैसे कि टाटा का इंस्टीट्यूट है या पिलानी है या अभी बहुत और नए इंस्टीट्यूट भी आए हैं, सिम्बियोसिस ने कुछ काम किया है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी ऐसी आई हैं जो कि आ रही हैं, लेकिन ये एक तरह का ऊपर का 3-5% ही है। यदि आप 90-85% तक जाएंगे तो उसमें बहुत सारे इंप्रूवमेंट की अपने को जरूरत है। डॉक्टर प्रोफेसर यशपाल की आपने बात की जी, प्रोफेसर यशपाल ने आपको ध्यान होगा 2003 में जब योगी सरकार थी छत्तीसगढ़ में जी, उस समय काफी सारे 100 से ऊपर यूनिवर्सिटीज खुल गई थी जिनका विरोध किया था प्रोफेसर यशपाल ने, और सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई थी और ये कहा था कि अगर ये यूनिवर्सिटी इस तरह से खुली तो शिक्षा का विकास नहीं विनाश हो जाएगा। जी जी जी, इस बात से आप कितने सहमत हैं? ये ऐसा है कि आप, मैं खुद भी वहाँ पर छत्तीसगढ़ में उस समय था जी, और हमारा विश्वविद्यालय भी उन विश्वविद्यालयों में था जी जिन पर की प्रोफेसर यशपाल का आक्रमण कहा जाए तो हुआ था जी जी। मुझे लगता है कि बेसिक आइडिया तो छत्तीसगढ़ का ठीक था, और वो जो प्राइवेट एक्ट बनाया गया था वहाँ पर उसकी खामियों के कारण बहुत सारी चीज़ें आईं, लेकिन जब उसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ तो वो एक सीमा से बाहर निकल गया। जैसे आपको देखना पड़ता है कि संस्था कैसी है, देखना चाहिए था सरकार को कि संस्थाएं कैसी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कर पाएंगी नहीं कर पाएंगी, क्षमताएं कैसी हैं, उनका एटीट्यूड सिर्फ पैसा बनाना है कि उनका एटीट्यूड शिक्षा देना है, वो किस स्थान पर खोलना चाहते हैं, ये देखे बिना बड़ी संख्या में विश्वविद्यालय सेटअप करने की कोशिश हुई जो गलत थी, इसके बारे में मुझे कोई डाउट नहीं है। और जो लोग बचे हैं वो वही हैं, जैसे कि एकमात्र हमारा विश्वविद्यालय बचा जो डॉक्टर सी वी रमन के नाम पर जाना जाता है, और एकमात्र विश्वविद्यालय है जो किसी भारत के साइंटिस्ट के नाम पर है जी जी, बाकी सारे विश्वविद्यालय पॉलिटिकल लोगों के नाम पे होते हैं। डॉक्टर साहब, तो हम लोग इस कारण बच पाए कि हमारा एटीट्यूड शिक्षा के प्रति बड़ा सीरियस था और बाकी लोगों को दिक्कत हुई।
डॉक्टर साहब हम आपसे बातचीत जारी रखेंगे, फिलहाल समय हो चला है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम फिर मिलेंगे हमारे खास कार्यक्रम आमने सामने। एक बार फिर आपका स्वागत है, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर चौबे से, बात चल रही थी कि जो प्रोफेसर यशपाल ने कहा कि कुकुर मुत्तों की तरह शिक्षण संस्थान हो जाएंगे अगर छत्तीसगढ़ में इस तरह से यूनिवर्सिटीज को मान्यता आपने दे दी। तो मैं आपको थोड़ा सा डेटा देता हूं। हमारे देश में इस समय करीब करीब 450 से 500 के बीच में विश्वविद्यालय हैं, और सैम पिट्रोडा ने जो नेशनल नॉलेज कमीशन बनाया था, जिसके वो अध्यक्ष थे, बनाया था सरकार ने था उसके अध्यक्ष थे, उसने ये एस्टिमेट किया था कि हमारे देश में 2020 तक 1500 विश्वविद्यालयों की आवश्यकता है। अब अगर ये आवश्यकता है और वो एस्टिमेट सही है तो हमको उसके लिए संसाधन भी चाहिए हैं, इसलिए मूलतः हमको प्राइवेट पूंजी लानी तो पड़ेगी, या तो सरकार कहे कि वो बना सकेगी और वो 1500 विश्वविद्यालय बना लेगी, और अगर नहीं लाती है तो पर्याप्त नियंत्रण के साथ में उसको प्राइवेट पूंजी को लाना पड़ेगा या प्राइवेट लोगों को लाना पड़ेगा। प्राइवेट लोगों की आप बात कर रहे हैं, अभी तो चर्चा एक और बड़ी तेजी से चल रही है शिक्षा के क्षेत्र में कि विदेशी पूंजी निवेश बड़ी बड़ी मात्रा में होना है, तो क्या उससे सहमत है कि विदेशी पूंजी निवेश होना चाहिए? नहीं, मैं इस बात को समाप्त कर जी जी। तो जो डेटा कहता है वही कहता है कि हमें 1500 विश्वविद्यालय चाहिए 2020 तक। जी जी, इसका मतलब है कि विश्वविद्यालय बनने हैं, और शायद हमको प्रत्येक जिले पर एक विश्वविद्यालय की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि हमारे यहाँ डिमांड बेस्ड एजुकेशन की जरूरत पड़ेगी। जी जी। ऐसा माना जाता है कि तीन तरह के विश्वविद्यालय हैं, एक वो जो कि इलीट विश्वविद्यालय हैं, पुराने अंग्रेजों के समय से चले आते हैं, वहाँ देखा जाए तो ऑक्सफोर्ड है और MIT जैसे हैं, हमारे यहाँ दिल्ली विश्वविद्यालय है, चेन्नई है, प्रेसिडेंसी कॉलेज जैसे इंस्टीट्यूशंस हैं, कलकत्ता है, तो ये विश्वविद्यालय हमारे पुराने इलीट विश्वविद्यालय हैं। उसके बाद के वैसे हैं जो कि बाद में सोशल एंगल से खोले गए, जैसे कि टिस है या और इंस्टीट्यूट्स हैं जिनको बनाया गया। तीसरे विश्वविद्यालय उस कैटेगरी के विश्वविद्यालय होने चाहिए या हैं जो कि डिमांड बेस्ड विश्वविद्यालय हैं। हमारे डिमांड इतनी बढ़ने वाली है, जैसे मैंने आपको बताया ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो हमारे यहाँ हायर एजुकेशन में तो 11% ही है जी। तो हायर सेकेंडरी से जो बच्चा आगे जाता है वो कुल 11% बच्चा आगे जा पाता है, तो बहुत सारे विश्वविद्यालयों की ज़रूरत है। छत्तीसगढ़ सरकार की उस समय दिक्कत ये थी कि उन्होंने संस्थाओं की जांच किए बिना, या शायद वो बहुत जल्दी में कुछ करना चाहते थे तो उन्होंने बहुत सारे विश्वविद्यालयों को अनुमति दी, जो गलत था, और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उसे मना भी किया। लेकिन उनकी मूल मंशा ये अच्छी थी कि छत्तीसगढ़ को शिक्षा का हब बनाया, केंद्र बनाया जाए, मूल मंशा अच्छी थी। अब जहाँ तक सवाल विदेशी पूंजी का है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम डिमांड बेस्ड यूनिवर्सिटीज की बात कर रहे हैं तो विदेशी पूंजी का आना गलत है। क्यों? क्योंकि वो कभी भी उन जगहों पर नहीं जाएंगे जहां डिमांड है। वो दिल्ली में रुक जाएंगे, वो बंबई में रुक जाएंगे, वो बड़े शहरों में रुक जाएंगे, और वो कभी भी बस्तर में या जगदलपुर में लाभ के आधार पर व्यवसाय करेंगे, ऐसी बात बिल्कुल। मुझे ऐसा लगता है कि वो पूंजी लगाएंगे तो लाभ की अपेक्षा भी करेंगे। और शिक्षा का जो सामाजिक एंगल है, या जब वाकई उनकी नीड है, आप देखिए मैं सब जगह ट्रेवल करता हूँ, अंबिकापुर है, बस्तर है, जगदलपुर है, कोंडा गांव है, जहाँ पर कि आप सामाजिक समस्याएं या नक्सलवाद और बाकी चीज़ें देखते हैं, क्या वो वहाँ जाएंगे? मुझे नहीं लगता कि वो वहाँ जाएंगे। वो दिल्ली में रुक जाएंगे, वो पार्टनर्स ढूंढेंगे, और शायद पूंजी से और पूंजी बनाने को, जो गलत होगा। डॉक्टर साहब, उच्च शिक्षा को की जो नियामक संस्थाएं हैं, जैसे UGC है, आप AICT है, MCI है, इस तरह की जो संस्थाएं हैं, इनकी एकीकरण की को लेकर बहस चल रही है, और संसद ने शायद इसके लिए कोई कानून भी बनाया है या पास हो गया है। जी जी जी। उस बारे में आपकी क्या राय है कि ये ठीक कदम है? और दूसरी एक बात कि जो निरीक्षण की पद्धति है जिसके आधार पर आप मान्यता देते हैं, वो ठीक है क्या? उसमें कहां तक ट्रांसपेरेंसी रहती है या कितनी उसमें हस्तक्षेप होता है लोगों का, ये थोड़ा सा स्पष्ट करें। देखिए विनोद जी, आप तो मीडिया से जुड़े हैं, बहुत लंबे समय से मीडिया में ये बहस है, और आपने मेडिकल काउंसिल के भ्रष्टाचार को जी, और एक हद तक AICT के भ्रष्टाचार को, और बहुत सारी संस्थाओं में भ्रष्टाचार के इश्यूज को देखा है। आपने देखा है कि लोग अरेस्ट किए गए हैं, और संस्थाओं को नियंत्रण करने के जो टूल्स थे उनके बेजा इस्तेमाल के बारे में भी आपने देखा। तो ये बात तो लगभग पानी की तरह साफ है कि वो संस्थाएं पूरी तरह साफ और क्लीन संस्थाएं नहीं, पारदर्शी नहीं, पारदर्शी नहीं है। और पारदर्शी नहीं होने के कारण जो दिक्कतें दूसरे प्लेयर्स को आती हैं, प्राइवेट प्लेयर्स को आती हैं, या कि संस्थानों को आती हैं, ये भी बहुत ही स्पष्ट है। तो मुझे लगता है कि उनकी सफाई की तो बहुत ज़रूरत है, विशेषकर UGC की, AICT की। सरकारी विश्वविद्यालय बनाए जाते हैं जो 10 साल
15 साल 20 साल तक अपनी बिल्डिंगें नहीं बनाते जी, ठीक बात, उनके पास जमीनें नहीं होती और अपने प्रदेश के विश्वविद्यालयों का नाम नहीं लेना चाहता जो 15-15-20 साल पुराने विश्वविद्यालय हैं और जिनके पास में आज भी बिल्डिंग्स नहीं है। जैसे बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी जो भोपाल यूनिवर्सिटी थी वो एक कमरे से शुरू हुई थी, एक स्कूल में चलती थी, एक स्कूल में चलती थी, या आज 20 साल लगे थे उसकी बिल्डिंग को बनने में, मीडिया के विश्वविद्यालय और बड़े विश्वविद्यालय जिनके पास अपनी बिल्डिंगें नहीं है। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो आपको फिर इक्वालिटी का नॉर्म्स रखने चाहिए। यदि आप कह रहे हैं कि भाई हम यानी प्राइवेट प्लेयर्स जो हैं वो 50 एकड़ जमीन लेके आए, वो 1,00,000 स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्शन करें, वो इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं, तो आप कृपा करके अपने विश्वविद्यालय भी वैसे ही बनाइए। मतलब सरकार की जो नीति दोहरी नीति है और इससे आप असंतुष्ट भी हैं? मैं इससे असंतुष्ट हूँ जी। एक्स्ट्रा नियंत्रण की नीति है जी जी। एक्स्ट्रा आप थोड़ा हमें मदद भी तो करिए। आप सिर्फ रेगुलेटरी बॉडी नहीं है, आप डेवलपमेंट की बॉडी भी है, तो हमारा जरा हाथ पकड़िए, हमको आगे ले चलिए। उनकी नजर में मतलब जो निजी संस्थान है वो ठीक नहीं है, मतलब क्या 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 विचार रखती है सरकार? एटीट्यूड सर गलत है जी, ये एटीट्यूड गलत है। मुझे लगता है संस्थानों को ठीक ठीक मेजरमेंट किया जाना चाहिए, नियंत्रक संस्थाओं को सहयोगी की तरह काम करना चाहिए। आप असल में हम भी तो पूंजी और बहुत सारी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क लेके बीच में आ रहे हैं, तो हमें भी किसी को पैट्रनाइज करने की जरूरत पड़ती है। नियंत्रण संस्थाएं सिर्फ नियंत्रण करेंगी, सरकार उनका भी नियंत्रण करेगी जी, और हमें छोड़ दिया जाएगा, तो ये मेरे को लगता है गलत बात। सरकार के नियंत्रण की बात आपने करी, एक तरह से सरकार में जो बैठे हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी राजनीतिक दल से व्यक्ति होते हैं, एक चीज। दूसरी, सरकार का जो राजनीति का जो नजरिया है जी, जब भी सरकार बदलती किसी न किसी दल की सरकार आती है जी, तो शिक्षा को वो कैसे प्रभावित कर रहे हैं? हमारे सरकारी विश्वविद्यालयों में जो राजनीतिक हस्तक्षेप है इस पर बहुत बात हो चुकी है और सबको मालूम है कि अनावश्यक है और बहुत ज्यादा है। मतलब इस पर मैं कहूँगा तो एक बात को दोहराना ही होगा, मुझे लगता है कि विश्वविद्यालयों को शिक्षा का संस्थान बने रहना चाहिए। अभी प्राइवेट विश्वविद्यालय थोड़े उससे बचे हुए हैं क्योंकि उनके यहाँ पोस्टिंग्स और उनके यहाँ टीचर्स और उनके यहाँ बच्चों को लेकर एक अलग तरह का सेपरेशन है, लेकिन होना तो यही चाहिए कि उनको शिक्षा का मंदिर माना जाए, होना ये चाहिए कि उनको अच्छे नियंत्रण में रखा जाए, लेकिन गलत नियंत्रण से बचाया जाए। नहीं, लेकिन जो राजनीतिक नियुक्ति होती है ये कुलपति के पद पे और फिर घमासान होता है जी जी जी, और एक दूसरे के ऊपर कीचड़ चली जाती है। जैसे अभी भोपाल में बरकतुल्ला विश्वविद्यालय में एक हुआ कि हम अगर पीएचडी किसी को नहीं करा सकते तो बाकी भी नहीं कर सकते, ये सब चोरी, उसके पहले किसी ने नहीं कहा था इस बात को। ये इस बात को लेकर आप क्या कहेंगे? हमारा शिक्षाविद के नाते आपसे जानना बहुत जरूरी है, हमारी जो हमारे दर्शक है उनको, जो हमारा लोकतंत्र है उसकी जो कमियां हैं वो शिक्षा में भी है, वो व्यापार में भी है, वो और भी अन्य चीज़ों में है। तो मुझे लगता है कि जैसे जैसे हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया पारदर्शी होगी और हमारे यहाँ जो राजनेता हैं या जो दिशा निर्धारण करते हैं, जब वो पारदर्शी होंगे और वो कुछ चीज़ों से अपने आप को दूर रखेंगे, तभी ये हो सकेगा। आज की स्थिति में यह संभव नहीं है क्योंकि ऊपर से लेकर नीचे तक कोशिश ये होती है कंट्रोल बनाया जाए, तो कंट्रोल आप उन चीज़ों पर बनाइए जो कि शिक्षा और संस्कृति न हो। शिक्षा और संस्कृति को मशाल माना जाता है, वो आपको लीड करेंगे, वो आपकी राजनीति को आगे ले जाएंगे। अगर आप उनको अपने पीछे लगा लेंगे तो मुझे लगता है कि अपना नुकसान भी करेंगे, उनका नुकसान भी करेंगे। बड़ी आपसे बिल्कुल आपसे सीधी बात है जी, कि आपने भारतीय इंजीनियरिंग सेवा को छोड़कर आप जो है शिक्षा के क्षेत्र में आप आए हैं, उस सेवा का आपने त्याग किया और कई वर्षों तक यहाँ मैंने देखा कि आपने बहुत गली गली की कहते हैं धूल छानी और उसके बाद फिर ये कैसे विचार आया आपके मन में कि ऐसे हमें इस तरफ आना चाहिए? हाँ, मैं भारतीय इंजीनियरिंग सेवा के लिए भी और भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए भी दोनों के लिए चुना गया था जी। ये 77-78-80s की बात है। उसी समय ये पूरा जयप्रकाश आंदोलन जेपी मूवमेंट होके चुका था और पूरे देश में एक ऐसा बुद्धिजीवियों के बीच में विचार था कि हमें समाज के बीच जाके काम करना चाहिए। उस समय दिल्ली में था और बहुत ज़्यादा मुझे लगता था कि हमें सामाजिक कार्य में जुड़ना चाहिए, तो मैंने एस्टेब्लिश्ड नौकरियां छोड़कर और ये दोनों सेवाओं का त्याग कर ये तय किया कि विज्ञान को लोगों तक पहुंचाना है और उसके बाद साक्षरता को लोगों तक पहुंचाना है और आज सूचना तकनीक को लोगों तक पहुंचाना है। तो लोग या जिसको हम अपना भारतीय समाज कहते हैं वो हर समय मेरे काम के केंद्र में रहा है और उससे जो वापस मुझे मिला है वो भी उतना ही अच्छा था और उसके बल पर फिर मैंने नेटवर्क बनाया, विश्वविद्यालय बनाया। आज हम देश की लगभग 10,000 पंचायतों में काम करते हैं, 27 राज्यों में काम करते हैं और जो आईसेक विश्वविद्यालय है वो अपने आप में एक बड़ा यूनिक विश्वविद्यालय है
जो ऊपर से नहीं बल्कि नीचे से बनाया गया है। तो ये जो अपनी बेसिक बात थी, मैंने अशोका फेलोशिप पिछले दिनों मुझे मिला तो उनसे भी ये कहा कि ये शायद ऐसा एक विश्वविद्यालय एकमात्र है जो कि लोगों के बल पर और नीचे से बनाया गया है। तो जो मैंने सबसे शुरू में कहा था कि शिक्षा को लोगों से जोड़ना चाहिए, विज्ञान को लोगों से जोड़ना चाहिए, सूचना तकनीक को लोगों से जोड़ना चाहिए और उनके जीवन में बदलाव ला पाएंगे तो ही हम कुछ कर पाएंगे। इसी कारण मेरे जीवन की एक धारा रही और मैं उस पर टिका रहा। डॉक्टर साहब धन्यवाद हमारे इस कार्यक्रम में आने का। तो ये थे डॉक्टर संतोष चौबे, मध्य प्रदेश में कंप्यूटर पुरुष के नाम से पहचान बनाने वाले साहित्यकार और शिक्षाविद। इन्होंने हमें बताया कि शिक्षा के क्षेत्र में आज, अभी और आगे कितने परिवर्तन की आवश्यकता है। अगर हम आज से फिर शुरू नहीं हुए कि हम क्या चाहते हैं, शिक्षा में क्या परिवर्तन होना चाहिए, तब तक हम संपूर्ण रूप से साक्षर नहीं हो सकते, ना ही शिक्षा का पूर्ण रूप से विकास हो पाएगा। हम आज के इस कार्यक्रम को यही विराम देते हैं। अगले कार्यक्रम में फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।